और चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में किसान राजनीति के केंद्र में आ गए। इसके प्रतीक के रूप में मंदसौर का इस्तेमाल भी जमकर हो रहा है। खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 6 जून को मंदसौर दौरे से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी ने रतलाम, मंदसौर, नीमच यहां के विधायकों के साथ एक बैठक की, उनका फीडबैक लिया, किसान कितने गर्म हैं, कितने नरम हो सकते हैं। यह है किसान पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में किसान पॉलिटिक्स। किसान आंदोलन से पहले प्रदेश में गरमाया माहौल। राहुल से पहले पहुंचेंगे शिवराज मंदसौर। 30 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे मंदसौर। मध्य प्रदेश में किसान परेशान है। कभी मौसम की मार तो कभी सरकार की बेरुखी के चलते किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस पर साहूकारों का कर्ज उनको इतना मजबूर कर देता है कि उनको जान देना आसान नजर आने लगता है। ऐसे हालात से गुजर रहा प्रदेश का किसान आजकल प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। मंदसौर में किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 1 से 10 जून तक आंदोलन करने वाले हैं। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 जून को मंदसौर से ही कांग्रेस के चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन और कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी सरकार दबाव में आती दिख रही है। तभी तो राहुल के दौरे से पहले सीएम शिवराज 30 मई को मंदसौर में किसानों के बीच पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस इसे शिवराज पर दबाव के रूप में देख रही है। 6 तारीख को मंदसौर में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। वे वहां पर आके जिन किसानों पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए, जिनको गोलियों से भून दिया, उनके परिवार के बीच में जाएंगे, वहाँ उनको सांत्वना व्यक्त करेंगे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उससे पहले ना जिन्होंने कभी उनको सम्मान दिया, ना उनके जो उनकी हत्या हुई है उसमें अभी तक किसी को ना मुलजिम बनाया ना जांच पूरी कराई, ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी 1 तारीख को वहाँ राजनीति करने जाएंगे। शिवराज जी, राजनीति अब छोड़ दीजिए किसानों के साथ करना। यदि आपको जाना है मंदसौर तो उस परिवार के चरणों में मस्तक रख के माफ़ी मांगिए, जिसके परिवार को आपने गोलियों से भून दिया, जिसके परिवार की पूरी ताकत ख़त्म कर दी, उस परिवार से माफ़ी मांगिए तो शायद आपका अगला जन्म सुधर जाए। इस जन्म में तो आपकी स्थिति अब किसान वैसी करने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिवराज के दौरे से पहले बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गुरुवार को रतलाम, मंदसौर और नीमच के विधायकों और पार्टी जिला अध्यक्षों को भोपाल बुलाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम ने गुरुवार को मंत्रालय में कमिश्नर और आईजी की आपात बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने अफसरों को आंदोलन के दौरान चेहरे पर टेंशन न लाने के निर्देश और आनंद में रहने की सलाह दे डाली। बीजेपी किसानों के आंदोलन और कांग्रेस के इसके राजनीतिक रूप में कैश कराने को लेकर परेशान है और उसकी काट खोजने में जुटी है। बीजेपी का कहना है किसान शिवराज से नाराज नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वहीं जानकार किसानों की नाराजगी को बीजेपी के लिए ठीक नहीं मान रहे। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक कल भोपाल आए थे, मंदसौर क्षेत्र के सारे लोग थे, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी में पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार उस क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं, सभी जो परिस्थितियां उसको देखते रहे हैं और किसानों से मुलाकात करते रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लाशों पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि जिस तरीके से आज कांग्रेस जो है किसान आंदोलन के 1 साल होने पर राहुल गांधी जी को भोपाल मंदसौर बुला रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में किसान जो है कांग्रेस की जब बरसी होगी उस पर राहुल गांधी को बुलाने वाले। मध्य प्रदेश की राजनीति में वास्तव में इन दिनों किसान केंद्र में आ गया है। वैसे संख्या के हिसाब से देखा जाए, रहबास के हिसाब से देखा जाए तो किसान वैसे भी केंद्र में था, लेकिन मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद से हर राजनीतिक दल अपने अपने हिस्से में राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी 6 तारीख को मंदसौर के पिपलिया मंडी आ रहे हैं, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री खुद, शिवराज सिंह चौहान खुद फीडबैक लेने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन विधायकों से जांच पड़ताल कर रहा है, पूछ रहा है, उनसे जान रहा है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। दरअसल दोनों ही दल अच्छी तरह से जान गए हैं कि अगर किसानों के मुद्दे को ठीक
ठीक तरह से एड्रेस किया गया तो उस दल को उसका लाभ हो सकता है। भाजपा जानती है कि किसान उसके लिए बड़ा सरदर्द बन सकते हैं और कांग्रेस को लगता है कि किसान उसके लिए बड़ा वोट बैंक बन सकते हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई किसानों से ज्यादा वोटों के लिए है। आपको बता दें कि मंदसौर गोलीकांड की 6 जून को बरसी है, जिसको लेकर किसान संगठन आंदोलन करने की तैयारी में। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने मंदसौर में धारा 144 लगा दी, मतलब साफ है सरकार दबाव में है और सीएम शिवराज किसी भी सूरत में आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहते। तभी तो बैठक में सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि आंदोलन के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश सोलंकी, चैनल नंबर 1, भोपाल।